हमने पिछली क्लासेस में लाइन का एक जनरल इक्वेशन स्टडी किया है और उस जनरल इक्वेशन को हमने लाइन के दूसरे इक्वेशन से भी रिलेट करके देखा है कि अगर लाइन का एक जनरल इक्वेशन हमें दिया हो तो हम उसे स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मतलब कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म पे हो, वो एक जनरल फॉर्म पे हो, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म पे हो, स्लोप फॉर्म पे हो, किसी भी फॉर्म पे हो, उस पॉइंट से लाइन का हम लोग डिस्टेंस किस टाइप से फाइंड करेंगे। मतलब अगर कोई भी इस तरह से हमें लाइन दिया हुआ है, सपोज हमें यहाँ पर एक लाइन इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लाइन का ये जो डिस्टेंस हमें मिलेगा, ये डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे और इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक्स वाई क्वाड्रेंट में एक लाइन है, इस लाइन का हम लोग एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन का एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया गया है और इस लाइन, इस पॉइंट पी से इस लाइन का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी एम, ये हमें फाइंड करना है। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस डी है और इस डिस्टेंस डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो लाइन का इक्वेशन हमें जनरल इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर हम लाइन को देखें तो ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म पे बनी हुई है, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से ये कुछ इंटरसेप्ट काट रही है। तो इस तरह से इसके इंटरसेप्ट्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करें, जो हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है। तो उस कंडीशन पर हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें पॉइंट आर एंड पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि पॉइंट आर में हमें वाई की वैल्यू मालूम है, ज़ीरो होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। सिमिलरली इसमें पॉइंट पी में एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी और वाई की कुछ हमें वैल्यू मिलेगी। तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। तो इस तरह से हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो जब हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस y अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू वन। ये हमें इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा। इसके लिए हम c को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। देन माइनस सी से हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें वन मिल जाएगा और यहाँ पर हमें इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा। अब अगर हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म पे देखेंगे तो ए एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है माइनस सी बाई ए, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट की माइनस सी बाई ए, एंड वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस सी बाई बी। इस तरह से पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए तो हम ये थ्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए और पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तब अगर हम लोग देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये हमें मिल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस हमें मिल रहा है क्यू आर एंड हाइट हमें मिल रहा है पी एम, तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा क्यू आर इंटू पी एम, ये हमें मिल जाएगा। हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम, तो हम जब पी एम के एवज में इसे लिख लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा पी एम इज इक्वल टू टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन क्यू आर, ये हमें मिल गया। इसे हम इक्वेशन वन ले लेते हैं। अब
अगर हम एरिया फाइंड कर ले और डिस्टेंस क्यू आर फाइंड कर ले तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से हमें मिल जाएगा। तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमने 10th क्लास में किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना सीखा है और अभी भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में भी ये स्टडी किया है। तो एरिया हमें मालूम है, इसका फॉर्मूला हमें मिलता है हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। और इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ पर ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है और ये पॉइंट थ्री है। तो ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री। तो वैल्यूज लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू, वाई टू की वैल्यू ज़ीरो, देन वाई थ्री, वाई थ्री इज माइनस सी बाई बी। उसके बाद x2 की वैल्यू है यहाँ पर माइनस सी बाई ए, देन y3, तो y3 हमें मिल जाएगा माइनस सी बाई बी माइनस y1, y1 इज इक्वल टू y1, देन x3, x3 इज ज़ीरो। तो अगर x3 ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म हमें ज़ीरो मिल जाएगा। तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम देखें तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा सी अपॉन बी एक्स वन प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस सी अपॉन ए वाई वन। ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ से देखें तो सी कॉमन नहीं मिल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से सी बाई ए बी को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम सी बाई ए बी कॉमन ले लेंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा a इंटू एक्स वन, और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा c, और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा b इंटू वाई वन। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा वन अपॉन टू c अपॉन ए बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये वैल्यू अभी हमें मिली है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल का एरिया। अब यहाँ पर से जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें गिवन होगी वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें नेगेटिव पॉजिटिव बोथ मिल सकते हैं, इसलिए हम इसकी मॉड वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर पीएम के लिए हमें एरिया चाहिए था और डिस्टेंस, तो एरिया हमने फाइंड कर ली। अब हम डिस्टेंस क्यू आर फाइंड करते हैं, क्यू से लेकर आर तक का डिस्टेंस। तो इसके लिए भी इस पॉइंट की वैल्यू हमें मालूम है और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मालूम है। तो अगर दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें मालूम है तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस क्यू आर तो यहाँ पर भी हम फॉर्म यूज़ करेंगे एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर से अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट को वन और इस पॉइंट को सेकेंड पॉइंट। तो एक्स टू की वैल्यू ज़ीरो है एंड एक्स वन की वैल्यू माइनस सी बाई ए है, तो ये हमें मिल जाएगा ज़ीरो माइनस माइनस सी बाई ए स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू है माइनस सी बाई ए सी बाई बी एंड वाई वन इज ज़ीरो, तो ये हमें मिल गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सी बाई ए बी हमें बाहर मिल जाएगा रूट के, तो ये हमें मिल गया सी बाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें डिस्टेंस क्यू आर मिल गया। तो अगर हमें क्यू आर डिस्टेंस मिल गया और ट्रायंगल का एरिया मिल गया तब हम परपेंडिकुलर लेंथ पी एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पी एम हमें मिलता है वन बाई टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमें यहाँ से मिल रहा है हाफ सी अपॉन ए बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन अपॉन प्लस सी।
ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज हाफ सी बाई ए बी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, देन दिस लेंथ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ सी बाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d की वैल्यू हमें मिल जाएगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और यही फॉर्म हमें याद रखना है, बार बार हम ये यूज़ करेंगे. अगर हमें एक लाइन दिया होगा और उस लाइन से किसी भी पॉइंट के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा, तो उस डिस्टेंस को हम इस फॉर्म से यूज़ करके फाइंड करेंगे. यहाँ पर x1 एंड y1 ये उस पॉइंट की वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड करना होगा. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होंगे x1, y1, और जो लाइन हमें गिवन होगा उस लाइन को हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे. तो जनरल इक्वेशन के फॉर्म पे जब हम ले लेंगे तो a उसके x का कोफिशियंट है, b y का कोफिशियंट है एंड c कांस्टेंट टर्म हमें मिलेगा. तो उस वैल्यूज को हम यहाँ पे लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4, 5 फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन 3x - 5y + 7 = 0. यहाँ पर इस लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो इस लाइन 3x - 5y + 7 = 0, इस लाइन का हम कंपेयर करते हैं लाइन ax प्लस by प्लस c से. तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 एंड b इज इक्वल टू मिल जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 7. और पॉइंट x1 y1 की प्लेस पर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4, 5. अब हम अगर डिस्टेंस d फाइंड करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करते हैं. तो a की वैल्यू है 3 इंटू एक्स वन, एक्स वन इज 4 प्लस b, b हमें मिल रहा है -5 एंड y1, y1 इज 5 प्लस c, c इज 7 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3² - -5² ये हमें मिल गया. इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 12 - 25 + 7 upon 9 + 25. तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -6 / √34. तो ये हमें डिस्टेंस डी की वैल्यू मिल रही है. अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डिस्टेंस नेगेटिव भी मिलता है तब हम डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. इसीलिए जब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो यहाँ पर मॉड का साइन लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हमें नेगेटिव भी मिले तो हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है. तो उस तरह से जब हम लेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस डी हमें मिल जाएगा -6 upon √34 और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. अगर कोई भी दो लाइनें हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइनों के बीच हम डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर हमने दो लाइनें ड्रॉ की हैं. अगर हम ये माने कि इस फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने c को ही c1 एंड c2 क्यों लिया है, a एंड b को हमने वेरी क्यों नहीं किया. क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे. तो हमें लाइन का इक्वेशन इस तरह से कंसीडर करना है कि दोनों लाइनों का स्लोप आपस में इक्वल हो. तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों लाइनों का स्लोप फाइंड करें, फर्स्ट लाइन हमें मिल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो. तो इसे अगर हम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कंसीडर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी वन अपॉन बी. तो इस लाइन का स्लोप हमें माइनस ए अपॉन बी मिल रहा है. हम सेकेंड के लिए भी ट्राई करते हैं.
सेकेंड हमें मिल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इस लाइन को जब हम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी टू अपॉन बी। तो यहाँ पर इन दोनों लाइनों का स्लोप एक समान है, यही कंडीशन हमें चाहिए थी क्योंकि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आप हमेशा इक्वल होना चाहिए और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू अलग हो सकती है अलग होनी और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू अलग होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सी को वेरी करते हुए इक्वेशन फाइंड किया है। अब हमें इस डिस्टेंस डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस डिस्टेंस डी को फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट अगर हम इसे एम नाम दे दें तो इस पॉइंट एम की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो इस पॉइंट से पी एम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये एक लाइन है और इस लाइन का हमें इक्वेशन मालूम है और अगर इस पॉइंट की वैल्यू हमें मिल गई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल गई तो अभी हमने जो जस्ट इससे पहले एक इक्वेशन पढ़ा है उसका यूज़ करते हुए हम ये फाइंड कर लेंगे। तो ये चूँकि एक्स एक्सिस है तो इस एक्स एक्सिस में इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिल जाएगी। अब हमें केवल इसके एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए जो ये हमें इक्वेशन मिल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म पे। इसे हम कन्वर्ट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म पे क्योंकि ये यहाँ पर एक्स एक्सिस से भी इंटरसेप्ट काट रही है और यहाँ पे वाई एक्सिस से भी इंटरसेप्ट काट रही है। तो अगर हम इसे उस फॉर्म पे ले लेंगे तो हमें इसका एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो हम कन्वर्ट करेंगे जब तो ये हमें मिल जाएगा एक्स अपॉन माइनस सी वन बाई ए एंड वाई अपॉन माइनस सी टू बाई बी इज इक्वल टू वन। आप कन्वर्ट करके देखिएगा तो इस तरह से एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है माइनस सी वन अपॉन ए। तो ये इस पॉइंट की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी की वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्म यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इस लाइन का इक्वेशन हमें मालूम है और इस पॉइंट की वैल्यू मालूम है, अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा ए इंटू एक्स वन की वैल्यू है माइनस सी अपॉन ए एंड माइनस सी वन अपॉन ए एंड बी वाई की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है प्लस सी। अब यहाँ पर जो सी हमें फॉर्मूले में मिलता है उसकी वैल्यू यहाँ से सी टू है, हम इसे ले लेते हैं सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक अटम कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हमें दोनों पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया। तो अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल होंगी और उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा तब हम इस इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों लाइनों से हम ये बता सकते हैं कि a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू हमें माइनस 4 गिवन है और c1 की वैल्यू यहाँ से 7 है एंड c2 की वैल्यू हमें 5 मिल रही है और इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c2 एंड c2 इज 5 माइनस c1, c1 इज 7 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, a इज 3 तो ये मिल जाएगा 3 स्क्वायर, देन b इज माइनस 4 तो ये मिल जाएगा माइनस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 25 एंड अंडर रूट 25 हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 5। तो इस तरह से इन दोनों पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया 2 अपॉन 5। ठीक है, तो हम दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमें कोई एक लाइन दिया हुआ है और उसके जस्ट पैरेलल किसी लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है तब हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हम इक्वेशन वन ले लेते हैं।
अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो पैरेलल लाइन हमें फाइंड करना है, एज्यूम दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने एज्यूम किया कि इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगा उसका इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसे हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें मिल गए। अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनके जो कोफिशियंट हैं, एक्स एक्सिस का कोफिशियंट एंड वाई एक्सिस का जो कोफिशियंट है, उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ये हमें मिल जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू एल अपॉन एम, ये हमें मिल गया। अब अगर हम इसे एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं टी, तो जब हम यहाँ से एल एंड एम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एल हमें मिल जाएगा ए टी एंड एम हमें मिल जाएगा बी इंटू टी। अब एल एंड एम की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा ए टी एक्स प्लस बी टी वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर एल हम लोग टी कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एन अपॉन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। एन अपॉन टी को हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब अगर हम इस इक्वेशन का कंपेयर करें, जो हमें गिवन इक्वेशन दिया हुआ था जिसके पैरेलल हमें लाइन फाइंड करना था, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई हमें सेम मिल रहा है, बदल रही है तो केवल उनके कांस्टेंट की वैल्यू। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई दो लाइनें पैरेलल है और उनमें से हमें अगर एक लाइन का इक्वेशन पता है और दूसरे लाइन का इक्वेशन हमें मालूम करना है, तो एक तरीका ये है कि हम उनके स्लोप को इक्वेट करेंगे और फाइंड कर सकते हैं। पर दूसरा मेथड ये है, अगर हम ईजी करना चाहें तो हम उसका जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, जो ऐसा हमें इक्वेशन पे दिया हुआ है, केवल उसका जो कांस्टेंट है वही वैल्यू हमें चेंज मिलेगी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव एंड पासिस थ्रू द पॉइंट थ्री कॉमा फाइव। तो यहाँ पर हमें लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव। अगर हम y ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसी लाइन के पैरेलल हमें दूसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगर हम इसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन का इक्वेशन बनाएं, तो मैंने आपको बताया कि x और y को के जो वैल्यूज़ हैं उसे हमें एज इट इज़ लिखना है, तो ये हमें इसी तरह से मिल जाएगा, बदलेगी तो केवल ये कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये हम ले लेते हैं k इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें मिल गया। अब इसके जो पॉइंट्स हैं ये x एंड y की वैल्यूज हमें गिवन है, तो लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसके किसी भी पॉइंट की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। तो हम इस पॉइंट की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा थ्री इंटू थ्री माइनस फाइव प्लस k इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी माइनस फोर। अब ये जो k की वैल्यू मिली है उसे हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा 3x माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही इस लाइन के पैरेलल लाइन का हमें इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी लाइन का पैरेलल हमें इक्वेशन फाइंड करना है, हम डायरेक्टली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, अभी हमने इसके पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका डायरेक्ट इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे ये स्टडी किया। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है और हमें उसका इक्वेशन डायरेक्ट फाइंड करना है, तब हम कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए भी हम एज्यूम करते हैं कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें जो एक लाइन दिया हुआ है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और हमने जो एज्यूम किया इसे हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब अभी हमने क्या किया था कि जब दोनों लाइनें पैरेलल थी तब हमने कंडीशन लिया था ए अपॉन बी इज इक्वल टू
एल अपॉन एम हमने ऐसा इक्वेट किया था। ऐसा हमने इसलिए इक्वेट किया था क्योंकि इसका जो हमें स्लोप मिल रहा था और इसका जो स्लोप मिल रहा था पैरेलल की कंडीशन में दोनों स्लोप इक्वल होंगे, इसलिए हमने दोनों लाइनों के स्लोप को इक्वेट कर दिया था। अब अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके लिए कंडीशन हमने स्टडी किया है m1 m2 = -1, मतलब दोनों लाइनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमें -1 के इक्वल मिलना चाहिए। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा -a/b (l/m) = -1। तो ये हमें मिल जाएगा a/b (l/m) = -1, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं l/b (-m/a), ये हमें मिल जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम m को यहाँ पर लेके गए और इस a को यहाँ पर लेके गए, l/b को हम यहीं पर रहने दिए। तो ये हमें कंडीशन मिल गया। अगर हम यहाँ पर भी इसे k कंसीडर कर लें तो ये हमें l = मिल जाएगा b के एंड m = मिल जाएगा -a के। l एंड m की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा bkx - akyn = 0। k को अगर हम कॉमन निकाल के कैंसिल करें तो ये हमें मिल जाएगा bx - ay + n/k = 0। n/k को हम रिप्लेस करते हैं t से तो ये हमें मिल गया bx - ay + t = 0। मतलब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल रहा है ax + by + c = 0 और ये हमें मिल रहा है bx - ay + t = 0। तो अगर लाइनें पैरेलल थी तो ये सेम टर्म हमें मिलता था, केवल इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती थी। पर अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज हो ही रही है, प्लस यहाँ का साइन चेंज हो रहा है एंड एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट की वैल्यूज थी वो आपस में इंटरचेंज हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो अगर कोई लाइन सपोज हमें दिया हुआ है 3x + 2y + 5 = 0 और इस लाइन का पैरेलल, इस लाइन के परपेंडिकुलर हम इक्वेशन बनाएंगे तो इस लाइन का परपेंडिकुलर का इक्वेशन हमें मिल जाएगा यहाँ से, जो y का कोफिशियंट है वो हमें x के साथ मिलेगा और जो x का कोफिशियंट है वो हमें y के साथ मिलेगा और ये वाला साइन हमें चेंज मिलेगा। अगर प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो ये वाला साइन हमें प्लस मिल जाएगा और ये कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये कोई भी हमें मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर हम दूसरी लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।